हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक अवर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड देखेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड देखने से पहले अगर हम यहाँ से बेसिक प्रॉपर्टी देखें, अगर किसी भी फंक्शन का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो यहाँ से यह इक्वल लिखा जा सकता है एफ पी के, जहाँ से यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनशियल माइनस पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है। तो अगर अब हम यहाँ से देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ से आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लिखा जाए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कैन बी रिटन एज हियर वन बाई पी। सिमिलरली अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के लिए लिखें, एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होता है यहाँ से वन बाई पी स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक्स रेस टू द पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लिखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी रेस टू द पावर एन प्लस वन, या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई पी रेस टू द पावर एन प्लस वन। एंड बेसिक प्रॉपर्टी ये ली जाती है कि पी का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हमने ये लाप्लास फंक्शन देख लिया। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कुछ फंक्शंस के और लाप्लास फंक्शन चेकआउट करें तो इनके लाप्लास फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से लिखे जाते हैं। अगर हम यहाँ से देखें एक्सपोनेंशियल ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम सिमिलरली अगर हम यहाँ से आगे और देखें तो हमारे पास अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें एक्सपोनेंशियल ए एक्स का, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से लिखे जा सकते हैं वन बाई पी माइनस ए वेयर पी इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए। एंड सिमिलरली अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें साइन ए एक्स का, साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर होता है ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर पी इज ग्रेटर देन जीरो। एंड यहाँ से अब इन सब की वैल्यूज अगर हमें चेकआउट करनी हो कैसे आई है, तो इसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं एक दूसरा वीडियो ले आऊंगी। अभी हम यहाँ से पहले इसकी डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर पी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से पी बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। एंड देन अगर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है ए बाय पी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर हियर, एंड फॉर दिस हियर एज वेल एज हियर पी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर कोस ए एक्स एंड पी इज ग्रेटर देन फ्रॉम मॉड ऑफ ए। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखना हो साइन कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का, तो कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है पी बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वे पी इज ग्रेटर देन फ्रॉम मॉड ऑफ ए। एंड एक्सपोनशियल ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनशियल बी एक्स इंटू साइन ए एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है ए बाई पी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनशियल बी एक्स कोस ए एक्स ओवर पी इक्वल्स टू हियर पी माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हियर। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से इनवर्स लाप्लास देखें तो वन बाई पी रेस टू द पावर एन का, अगर यहाँ से हम देखें ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, इनवर्स लाप्लास इसके लगभग उल्टे होंगे। लाइक अगर वन बाई पी रेस टू द पावर एन का इनवर्स लाप्लास देखना हो तो वो हमारे पास यहाँ से आएगा एक्स रेस टू द पावर एन वन बाई पी रेस टू द पावर एन प्लस वन का लाप्लास आएगा एन एक्स रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, वन बाई पी माइनस ए का इनवर्स लाप्लास आएगा एक्सपोनशियल ए एक्स, वन बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास आएगा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास आएगा कोस ए एक्स, एंड देन वन बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास आएगा साइन हाइपरबोलिक ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, एंड पी बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास कोस हाइपरबोलिक ए एक्स बाई ए। इसी के सिमिलर हम यहाँ से राइट आउट कर देंगे। एंड इनवर्स लाप्लास में हमारे पास एक कंडीशन अलग रहेगी, इनवर्स लाप्लास ऑफ वन बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू हियर जे जीरो ए एक्स, एक कंडीशन हम ये और ध्यान रखेंगे। सो अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन देखें, सो अगर अब हम यहाँ से देखें हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू एक्स के एक्स माइनस टी जी टी डी टी, वे के एक्स टी
के एक्स माइनस टी इज कर्नेल हियर, के एक्स टी का जो फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ से कर्नेल है। सो अगर हमने यहाँ से इसके लिए सॉल्यूशन देखना हो, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अगर इसके लिए सॉल्यूशन देखें, तो यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से, अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हम इसे सिंप्लीफाई करें यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन, वी कैन राइट दिस इंटीग्रल इक्वेशन एज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस के ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हियर, बिकॉज हमारे पास यहाँ से कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ बिटवीन 0 to x एफ यू जी एक्स माइनस यू के लिए यहाँ से इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, तो हमारे पास अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर के एक्स माइनस टी जी टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 to x के बीच में किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से के एक्स जी एक्स लिख सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमने यहाँ से लगाई है। अब दोनों साइड हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, सो इसकी वैल्यू आएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स इंटू इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हियर। सो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, तो यहाँ से अगर हम अज्यूम करके चले जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी पी के इक्वल है, सो इसे हम जी पी के इक्वल लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से पहले तो हमने दोनों में साइड लाप्लास ऑपरेट किया है, उसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू रख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ ऑफ पी माने, एंड सिमिलरली यहाँ से इसकी वैल्यू अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे, के एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के पी माने, एंड जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने जीपी माना ही था। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, तो वैल्यू आएगी जीपी माइनस ऑफ के पी इंटू जीपी आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ पी। सो अब अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें, सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हम जीपी कॉमन ले सकते हैं, अगर जीपी हम यहाँ से कॉमन ले लें, वैल्यू हमारे पास बचेगी 1 - k ऑफ पी हियर, दिस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। अब हमने यहाँ से जीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो जीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जीपी इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास यह लिखा जा सकता है एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई 1 - k ऑफ पी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आती है, अब दोनों साइड इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करेंगे, सो जैसे ही हम यहाँ से इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करेंगे, हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या राइट आउट किया जा सकता है, इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 1 - k ऑफ पी हियर। सो यहाँ से इस तरीके से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।